मौज मस्ती खत्म, अब पढ़ाई की बारी। मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म, शहर में स्कूल और कॉलेजेस खुल गए। तलबा बस्ते उठाए, दरसगाहों में पहुंच गए। स्कूल्स और कॉलेजेस में गहमा गहमी। पुलिस की नाहली, चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ गई। बागा मंडी में घर में नकबजनी की वारदात, चोर 3 तोले जेवरात और हजारों रुपए नकदी लूटकर फरार। कप्तान ने लाहौर की अहम पिच पर 2 मंझे खिलाड़ी दिए उतार, तीसरे का इंतजार। चौधरी परवेज इलाही स्पीकर, चौधरी सरवर बनेंगे पंजाब के गवर्नर। पीटीआई चेयरमैन की जानिब से दोनों की बाजाबता नामजदगी। इमरान खान 18 अगस्त को वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे, फैसल जावेद की तस्दीक। परवेज इलाही के मुकाबले में उम्मीदवार लाने के लिए लीगी कयादत के भी सलाह मशवरे। नू लीग के स्पीकर पंजाब असेंबली और डिप्टी स्पीकर के लिए हलीफ जमातों से राबते। नू लीग की पंजाब में पार्लिमानी पार्टी का इजलास, इतवार या पीर को बुलाए जाने का इम्कान। हुकूमत बल्दियाती इदारों पर मेहरबान, यूनियन काउंसिल्स के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। शहर समेत पंजाब भर की यूनियन काउंसिल्स के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। हर यूनियन काउंसिल को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रोफेसर ने घुटने टेक दिए, क्रिकेटर मोहम्मद हफीज कहते हैं कैटेगरी बी हो या ई, पाकिस्तान के लिए खेलने को तैयार हूं। बी कैटेगरी में शामिल करने पर बोर्ड से थोड़ा खफा भी हूं, ट्वीट पर इजहार। ए वतन, प्यारे वतन, पाक वतन, गलियों और बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार, मार्केटों में मिली नगमों की गूंज, हर कोई जश्न आजादी धूमधाम से मनाने के लिए पुरअज़्म।